अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस पीके डॉट नेट और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं वो एक बहुत ही बाहिम्मत और बासलाहियत, मैं कहूँगा कि एक खातून हैं जिन्होंने बहुत ही कम उम्री में अपनी सलाहियतों का लोहा आलमी सतह पर मनवाया। नाज़रीन, इस टाइम हमारे साथ मौजूद हैं हदीका बशीर साहिबा, जो कि वैसे तो एक उनकी उम्र 18 साल है, लेकिन उन्होंने पिछले कुछ अरसे से चाइल्ड राइट्स और गर्ल्स राइट्स के हवाले से बहुत काम किया है सवात में। खैबर पख्तूनख्वा का एक इलाका है सवात, जहाँ से आलमी शोहरत याफ्ता मलाला यूसुफजई का भी ताल्लुक है। और इनकी इन खिदमात के सिले में इनको अब से कुछ दिन पहले अक्वामे मुत्तहिदा ने उन 17 ग्लोबल यंग लीडर्स की फहरिस्त में शामिल किया, जो कि उसकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हवाले से काम करेंगे, और ये पाकिस्तान के लिए यकीनन एक एजाज की बात है। नाज़रीन, इसके अलावा हदीका बशीर साहिबा और भी बहुत सारे इंटरनेशनल अवार्ड जीत चुकी हैं, दो दफा दो चिल्ड्रन पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, मोहम्मद अली ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड जीत चुकी हैं, और ये इनकी जो अभी भी काम है इसका सिलसिला जारी है। लेकिन इनकी एक अपनी एक बड़ी पर्सनल स्ट्रगल है इस हवाले से, इस सारी एक्टिविज्म के पीछे, और एक इनकी एक बड़ी एक कहानी है, और एक बड़ी उसको हम कह सकते हैं कि एक बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की है और इस मकाम तक पहुंचने के लिए। तो आज हम उन्हीं से जानेंगे कि स्ट्रगल का उनका पीरियड कैसा रहा और उनके गोल्स और एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो हदीका, वेलकम टू वॉइस स्पीकर डॉट नेट। सबसे पहले तो मैं बुनियादी तौर पर क्वेश्चन आपसे जी यही कि अगर आप हमारे नाज़रीन को मुख्तसर बता सकें वो स्ट्रगल की कहानी, वो आपकी पर्सनल जो आपका थी स्ट्रगल, जिसकी वजह से आपने सोचा कि अब आपको तमाम ख्वातीन और तमाम बच्चियों के हकूक के लिए खास तौर पे काम करना है। जब मैं 7 साल की थी तो मैं एक दोस्त थी जिसकी कम उम्र में शादी हो रही थी। उस वक्त हमें समझ नहीं थी, हम उसको गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रहे थे कि जैसे हम गुड्डा गुड्डी का खेल खेलते हैं, ये उस तरह गुड्डा गुड्डी का खेल है। और हम उसकी शादी को सेलिब्रेट कर रहे थे और हम बहुत ज्यादा खुश थे। उसके बाद जब हम ये सोच रहे थे कि वो स्कूल आएगी, लेकिन जब हम खेलने के लिए जाते थे उसके पास, तो उसकी सास जो है वो हमें कहती कि ये अब बड़ी हो गई है, इसकी शादी हो गई है और ये एक औरत अब बन गई है, तो ये खेल नहीं सकती। तो हम ये सोच रहे थे कि वो स्कूल आएगी, लेकिन वो स्कूल नहीं आती थी। फिर इसी तरह फिर जो था, हमने उसके लिए स्कूल में एक पार्टी अरेंज की कि हम उनसे मिले। तो उसके लिए हमने एक पार्टी अरेंज की, वो स्कूल में आई, हम सब पार्टी को एंजॉय कर रहे थे और बड़े खुश थे। लेकिन वो साइड पे बैठी थी और बहुत खफा थी, रो रही थी। उसने कहा कि मेरा शोहर मुझे बिजली के तार से मारता है। लेकिन मुझे मैं बहुत ज्यादा खफा हुई उस वक्त, लेकिन मैं बहुत छोटी थी। मुझे उस वक्त मैं उसके लिए कुछ करना चाहती थी, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। फिर उसके बाद जब मैं 11 साल की हुई, रिश्ता मेरे लिए आया। वो लड़का एक टैक्सी ड्राइवर था, और चूंकि ये ट्रेडिशन है यहाँ का, तो मेरी दादी ने कहा कि हाँ, ये इट इज अ गुड प्रपोजल। तो उन्होंने मेरी शादी के लिए हाँ कर ली थी। तो मैंने फिर अपने लिए स्टैंड उठाया और मैंने उनसे कहा कि अगर वो मेरी इस उम्र में, कम उम्र में शादी करवाएंगे तो मैं उन पर कोर्ट में केस कर दूंगी। तो उसे वो थोड़े वो हो गए और फिर वो कन्विंस हो गए। उन्होंने कहा सही है। मैंने कहा उन्होंने मुझे इस कम उम्र में शादी नहीं करनी, मैंने मेरे कुछ ख्वाब उनको पूरे करने हैं और मुझे अपनी आगे की तालीम करनी है। तो मैंने इस तरह फिर अपना काम जारी रख उसके बाद मैंने अपना काम शुरू किया। और फिर मैं घर घर जाती थी, लोगों को अवेयर करती थी कि एक लड़की की सेहत
और एक लड़की की तालीम पर और एक लड़की के जहन पर क्या क्या असरात होते हैं कम उम्र की शादी के बाद. तो मैं उनको फैमिलीज को अवेयर करती थी कम उम्र की शादी के असरात के बारे में. हम थिएटर्स लेते थे कि थिएटर्स जो हैं वो यहाँ पर एक नया और अट्रैक्टिव चीज है जहाँ से लोग उसको अट्रैक्ट होते हैं. तो हमने थिएटर्स लेना शुरू किया. फिर इमाम साहिबान के साथ हमने सेशंस लेना शुरू किया जिसमें सिर्फ 5 इमाम को हमने इमाम साहिबान को हमने कन्विंस किया है कि वो अपने खुतबों में कम उम्र की शादी के खिलाफ बोले और वुमेन राइट्स के बारे में बोले. लेजिस्लेटर्स के साथ हमने मीटिंग्स किए और इसके साथ साथ हमने जो है मीडिया को इंगेज किया. और हम अभी एक कॉमिक बुक बना रहे हैं जो रियल लाइफ चैलेंजेस पर है लड़कियों के, लेकिन वो उस पर अभी काम शुरू है. जी सही. ये थोड़ी सी समरी है हमारे काम के बारे में. बड़ा मुनफरिद और बड़ा एक सोशल चेंज के लिए आपका बड़ा काम है ये. लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि सवाद जैसे कंजर्वेटिव इलाके से आपका ताल्लुक है, तो इसमें आपको आपकी फैमिली, जो इमीडिएट फैमिली और इलाके के बाकी लोगों का किस तरह से मतलब तआवुन हासिल रहा? क्योंकि हमने देखा है कि जब आपने ये काम शुरू किया उस टाइम सवात ऑपरेशन हुआ, तालिबान की इंसर्जेंसी खत्म की गई, मलाला यूसुफजई का वाकया हुआ और उसके हवाले से बहुत सारी आपको पता है कि पाकिस्तान में और सवात ने भी काफी दो आरा पाई जाती हैं, ये कहना भेजा ना होगा. तो किस तरह का आपको सपोर्ट रहा आपकी फैमिली की तरफ से? मेरी फैमिली जो थी पहले तो मेरे सब मुखालफत कर रहे थे, लेकिन बाद में मेरी बहुत सपोर्ट की और खास तौर पर मेरे अबू, उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया. अगर मेरे अबू ने मेरा सपोर्ट ना किया होता तो मैं नहीं समझती कि आज मैं इस मुकाम पर होती. तो विदाउट मेरे अबू वो नामुमकिन था. सोसाइटी से हमारे मतलब बहुत नेगेटिव कमेंट्स भी आए, इवन के जब मैंने अपना काम स्टार्ट किया था तो उस वक्त वो सब हमारे घर आते थे, मेरे अबू से कहते थे कि ये क्या काम कर रही है और क्यों कर रही है, ये तो हमारे इलाके के लिए बुरा नाम कमा रही है और इसको घर पे बैठाओ. तो बहुत मतलब नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, लेकिन हर जगह फिर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं. तो पॉजिटिव लोग भी थे जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, लेकिन ऐसे लोग थे जो मतलब मेरे खिलाफ थे और अभी वो मेरा सपोर्ट कर रहे हैं. बहुत सारे लोग हैं कि अब मेरा वो मेरे इलाके के ही लोग हैं जो अब अल्हम्दुलिल्लाह से मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. और पहले मुखालिफत इवन फैमिली से भी थी, सोसाइटी से भी थी हमारे इर्द गिर्द के, क्योंकि एक लड़की का बाहर जाना और उसका एक ऐसे इशू पर काम करना यहाँ पर मतलब वो एक बुरी चीज समझी जाती है कि ये क्यों ऐसा कर रही है, क्यों घर से बाहर निकल रही है. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी सपोर्ट कर रहे हैं मुझे. हदीका थोड़ा सा बताइए कि ये सारी जो आपकी एक्टिविज्म है, आप डोर टू डोर कैंपेन की आपने और अब आप एक एनजीओ भी चलाती हैं गर्ल्स यूनाइटेड फॉर ह्यूमन राइट्स के नाम से, उसके आप फाउंडर हैं, तो इस सारे अमल में आपने अपनी तालीम का सिलसिले को अब किस तरह से जारी रखा हुआ है और उस हवाले से अब तक आप की कहां तक पहुंची हैं और आगे आगे का क्या इरादा है? अभी मैंने एफएससी कंप्लीट की है और अभी मैंने एडमिशन्स किए हैं, क्योंकि अभी ही एडमिशन्स शुरू हुए हैं. तो अभी मेरी क्योंकि अभी कुछ 2-3 महीने पहले मेरी एफएससी कंप्लीट हुई है और अभी जो है इंटरेस्ट सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में है. लॉ में था तो अभी जो है सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी में जो है, लेकिन सोच रही हूँ सोशियोलॉजी का कि करूँगी सोशियोलॉजी, दोनों में बहुत इंटरेस्ट है तो करना सोशियोलॉजी. अभी तक जो आपकी स्ट्रगल रही है, आपका जो काम रहा है, आप किस तरह, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप किस तरह से देखती हैं कि उसका अभी तक
आपको सोसाइटी पे कोई इम्पैक्ट होता नजर आ रहा है? लोग अब कोई लोगों के अंदर ये शऊर बेदार हो रहा है कि कम उम्र की शादियां नहीं करनी चाहिए, ये पूरी की पूरी एक फैमिली के लिए एक बाद में एक हार्मफुल चीज साबित होती है, तो इस हवाले से आप किस तरह से देखती हैं अपने ही काम? मैं ऐसा नहीं कह सकती कि एक दिन में माइंडसेट की चेंज आ सकती है, कि एक दिन में मैं माइंडसेट को चेंज कर लूं जो बरसों सालों से वो माइंडसेट चली आ रही है, तो एक दिन में उसको हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी कोशिश कर रहे हैं कि उसमें थोड़ी बहुत जो है वो माइंडसेट में चेंज आए, और इस जो हमने ट्रेडिशन बनाई है कि अब बस लड़की बड़ी हो जाए 11-12 साल की हो जाए, 9-10 साल की हो जाए, बस हमने इसकी शादी करवानी है, तो हमने अपनी पूरी कोशिश की है, खसूसन जो इलाके वो बहुत ज्यादा जो इलाके ज्यादा गांव की तरफ है और ज्यादा वो वहां पे वो चीज नॉर्मल है, तो उसको हमने टारगेट किया है, तो उसमें मेरे मुताबिक और जिस तरह हम सेशंस लेते हैं उसके बाद हम उस पे जो है देखते हैं कि क्या मॉनिटरिंग के क्या कितना उसमें चेंज आया है नहीं आया है, तो काफी हद तक वहाँ मतलब इस तरह भी नहीं कि पूरा बस लोगों के सोच पूरे बदल गए हैं और पूरे अब लोग कह रहे हैं कि नहीं हमने कम उम्र में शादी नहीं करवानी, लेकिन थोड़ी बहुत हद तक लोगों की सोच थोड़ी बहुत अवेयरनेस से थोड़ी बहुत बदल गई है, लेकिन अगर आप देखें तो साथ में अगर आप किसी से कहें कि आप अपनी बेटी की कम उम्र में क्यों शादी करवाना चाहती हैं, तो बड़ा रीजन जो है वो गुर्बत है, लोग गुर्बत की वजह से अपनी बेटी की कम उम्र, ज्यादातर मैंने खुद जब मैं फैमिलीज के पास गई हूँ तो उन्होंने ज्यादा रीजंस मुझे ये बताए हैं, मैंने उनसे पूछा कि स्कूल क्यों नहीं जा रही, तुम पहली बात तो ये है कि साथ में इंस्टीट्यूट्स स्कूल और कॉलेजेस बहुत कम हैं, अगर है भी तो वो लड़कियों से बहुत दूर है, अब वो लोग यही है क्योंकि हालात दिन ब दिन जो है खराब होते जा रहे हैं, अब रेप केसेस कितने बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों के दिल में वो डर बैठा है कि दूर तो हम उसको भेज नहीं सकते, तो उसकी वजह से सबसे बड़ी रीजन जो है वो गुर्बत बताते हैं, तो ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंस्टीट्यूट्स हमारे लिए अगर बनाए जाए तो तभी, अगर आप सरकारी स्कूल के हालात देख लें, एक क्लास में 150 से ज्यादा लड़कियां होती हैं, कोई जमीन पर बैठता है, फैसिलिटीज नहीं है उनके लिए, तो ये है कि उसकी रीजंस ये बताते हैं कि इस वजह से जो है हम अपनी गुर्बत की वजह से हम उसको प्राइवेट स्कूल में दाखिल नहीं करवा सकते और गवर्नमेंट स्कूल जो है हमसे दूर है, तो उस वजह से कुछ फैमिलीज अपने गुर्बत की वजह से कहते हैं कि हम इसकी कम उम्र में शादी करवा रहे हैं क्योंकि हम उसके खर्चे नहीं उठा सकते, तो कुछ के रीजन भी होते हैं, और कुछ ये हमारा माइंडसेट जो है वो बन चुका है कि लड़की बड़ी हो जाए 10-11-12 साल की हो जाए तो फिर उसकी शादी करवानी ही चाहिए, तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं जो लोगों की रीजन है जो बताते हैं कि इस वजूहत से हम उसकी कम उम्र में शादी करवाते हैं। सही अधिका, आपने मुझे पहले भी बताया कि आप लेजिस्लेटर से भी गुफ्तगू कर रही हैं, रिलीजियस लीडर से भी बात कर रही हैं, और रिलीजियस लीडर्स की जानिब से जो खास तौर पर उन्होंने ये बात तस्लीम की है कि अब वो अपने खुतबों में जो है इस चीज का बताते हैं, लोगों को इन्फॉर्म करते हैं कि कम उम्र की शादी नहीं करवानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा कानून है उसके हवाले से तो लड़की की 16 साल से कम उम्र लड़की की शादी कानूनन एक जुर्म है, तो आपके साथ इंतजामिया का, गवर्नमेंट का, जो अथॉरिटीज हैं उनका कोई साथ है इस हवाले से आपके साथ, वो आपके साथ ताउन करते हैं, उनकी तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल रही है, और अगर नहीं मिल रही तो क्या सपोर्ट आप चाहती हैं उनकी तरफ से? सपोर्ट मुझे, मैं ये नहीं कह सकती कि प्रॉपर सपोर्ट मुझे उनके तरफ से मिल रही है या कि वो मुझे आगे तक जो मैं बात करना चाह रही हूँ तो वो
आगे तक पहुंच जाए। जब मेरी पहली मीटिंग हमारे एमएनए साहब से हुई थी तो उससे बड़ी अजीब मुलाकात हमारी हुई थी, जिसमें उनका ये रिस्पॉन्स था कि आप छोटी बच्चियां इस पर काम कर रही है, कोई ये तो कोई मसला ही नहीं है। तो हमें इस तरह का रिस्पॉन्स मिला था। तो उनकी तरफ से मैं प्रॉपर, लेकिन जब मुझे सेनेट बुलाया गया था तो वहां पर कुछ सेनेटर्स ने मेरी बात को सुनी और उन्होंने कहा कि हम इस चीज को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये इशू है, लेकिन इस तरह की नहीं कि इतना ज्यादा है। और उन्होंने कहा कि हम तो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन इस्लामिक आइडियोलॉजी वहां जाकर वो बिल तक जाता है। तो उन्होंने कहा कि बात जो है हो रही है, और उस वक्त हो भी रही थी। तो यही मसले थे, लेकिन मैं ऐसा नहीं कह सकती कि प्रॉपर उसकी तरफ से मतलब उसको फॉलो अप किया गया हो, या प्रॉपर जो है उस पर उनके साथ मैंने फिर हमारे और सुना है कि क्या मसले हैं क्या। तो यही मैं चाहती हूँ कि वो स्पेशली यूथ के भी मसले हैं, तो यूथ को भी सुना जाए कि यूथ के क्या क्या मसले हैं, क्या क्या इश्यूज है, क्या कानून हमने पास करने हैं। तो अगर उनके लिए प्लेटफॉर्म बनाई जाए या ऐसे कुछ कि वो, मैं ये नहीं कि महीने में, दो महीने में, तीन चार महीने में उनको बुलाए कि एटलीस्ट उनकी बात भी तो सुनी जाए ना। यूथ का तो कोई नहीं सुनता, और उनके मसलों का किसी को पता भी नहीं है कि यूथ के क्या मसले हैं, जॉब इश्यूज है उनके। जो अगर आप ये नीचे सतह पर आ जाए तो ये एजुकेशन के मसले हैं उनके, ये अगर आप ये कम उम्र की शादी का मसला जो है, इस पर किसी ने गौर नहीं किया कि इस पर कोई कानून पास होने चाहिए या इस तरफ किसी ने नहीं देखा। तो यूथ को भी उनकी सपोर्ट की जरूरत है, यूथ के लिए भी एक प्लेटफॉर्म बनाई जाए जहां वो अपनी बात एटलीस्ट उनको करें कि ये मसले हैं हमारे और इन पर काम करना चाहिए। जी हजीका, एक चीज जो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, हमने जो मलाला यूसुफ जई केस में देखा था कि उनको मकामी सतह से बहुत ज्यादा धमकियां मिली और बाद में हमने देखा कि उन पर एक अटैक भी हुआ, तो आपको किसी किस्म की कोई मुजाहिमत का सामना है मकामी सतह पर यहाँ पे लोकल रिलीजियस लीडर से या और किसी तंजीम से? कोई इस तरह का वाकया तो आपके साथ पेश नहीं आया कि जहाँ पे आपको 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 लगा हो कि कुछ लोग आपको रोकना चाहते हैं जो आपकी काम है उससे? पेदर जरी निजाम ने तो मेरी भरपूर मुखालफत की है, मुझे रोकने की कोशिश की है, लेकिन जैसा आप बोलना चाह रहे हैं तो उसकी तरफ से भी मुझे दो तीन बार जो है मुझे थ्रेट्स मिले हैं, मुझे रोकने की कोशिश की गई है, लेकिन हमने गिव अप नहीं किया और अपने काम को जारी रखा है। लास्ट में मैं आप ये बता पाए हमें कि क्या अब आपका फ्यूचर का क्या गोल होगा और क्या मजीद आप करना चाहती हैं? आपने माशाल्लाह इतनी छोटी सी उम्र में बहुत कुछ अचीव किया है, मगर बड़ी आपकी एक भी आगे एक बहुत बड़ी एक है आपकी जिंदगी पड़ी है, तो आगे का क्या फ्यूचर प्लान क्या है अपने इस सारे एक्टिविज्म को लेके और इस सारी अपनी गोल को लेके? और अगर कोई पैगाम आप देना चाहें हमारे हवाले हमारे तौर से पाकिस्तान की ऑडियंस को, खवातीन को, बच्चियों को, तो क्या आपके प्लीज? मैं कम उम्र की शादी के खिलाफ जो काम कर रही हूँ मैं उसको जारी रखूंगी, और जेंडर बेस्ड वायलेंस के खिलाफ काम करूंगी। इसके साथ साथ मैं वुमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर काम करूंगी, इकोनॉमिक जस्टिस पर, और क्वालिटी एजुकेशन पर, और गर्ल्स राइट्स पर। और इसके साथ साथ मैं कश्मीर की उन नौजवानों की आवाज़ बनूंगी जिनसे उनके हकूक छीने गए, जिनसे उनके ख्वाब छीने गए, जिनसे उनके जीने का हक छीना गया, जिनसे उनका उनकी तरक्की करने का हक छीना गया। मैं उनके बारे में कोई भी नहीं बोलना चाहता, क्या उनको जीने का हक नहीं है। मैं उनकी आवाज़ बनूंगी, पूरे पाकिस्तान की नौजवानों की आवाज बनूंगी, और दुनिया में जितने भी लड़कियों पर
जो है जुल्म हो रहा है, जिनके साथ जितनी भी जो मजलूम लड़कियां हैं, मैं उन सब की आवाज बनूंगी। और पाकिस्तान के सब यूथ को मेरा यही पैगाम है कि लगातार मेहनत करती रही है, और पितरफरी निज़ाम ने मेरी भरपूर मुखालिफत की, मुझे रोकने की कोशिश, लेकिन आपकी भी मुखालिफत होगी, आपको भी रोकने की कोशिश की जाएगी, लेकिन आपने रोकना नहीं है, आपने सरेंडर नहीं करना, और जो गोल्स आपने सेट किए हैं अपने लिए, उसको आपने लगातार मेहनत से उसको अचीव करना है। यही मैं आखिर में कहना चाहूंगी कि वन ह्यूमन बीइंग विद कन्विक्शन कैन ब्रिंग द रियल चेंज। थैंक यू सो मच हदीका बशीर साहिबा, और हम voicepk.net के प्लेटफॉर्म से ये दुआ करते हैं और हम ये उम्मीद रखते हैं कि आप इसी तरह अपना ये जो मुस्बत तब्दीली लाने का अमल है और जद्दोजहद है इसको जारी रखेंगी, और इसी तरह से पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जिस रोशन कर रही हैं और वो करती रहेंगी, और इसी तरह से अपने एक्टिविज्म को और अपने तालीम के सिलसिले को इसी तरह से जारी रखेंगी। बहुत शुक्रिया voicepk.net को टाइम देने के लिए। खुदा हाफिज़।